एडुसेट प्रोग्राम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ हिंदी के जाने माने हस्ती प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल हैं, जो भारतीय लोक सेवा आयोग के सदस्य हैं, और इनकी पुस्तक जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, अकथ कहानी प्रेम की, कबीर की कविता और उनका समय, ये पुस्तक, इस पुस्तक ने हिंदी जगत में नहीं, भारतीय चिंतन के जगत में एक तहलका मचाया है, और इस पर हम लोग अभी बातचीत करेंगे। प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल हिंदी जगत में इसलिए भी जाने जाते हैं कि उन्होंने जो सवाल हिंदी जगत में उठाया है, वो सवाल सिर्फ हिंदी साहित्य का नहीं है, बल्कि भारतीय दर्शन और भारतीय दर्शन के साथ साथ पूरे विश्व के दूसरे दर्शनों के साथ जो एक संवाद की बात है, उसे उठाया है। पुरुषोत्तम जी, मैं आपको तब से जानता हूँ जब मैं एमए का स्टूडेंट था, और उस वक्त मैं, आपको याद नहीं होगा कि मैं आपके एक आंदोलन का हिस्सा था जिसे आप सांप्रदायिकता विरोधी आंदोलन कहा करते थे, और आपका एक स्लोगन जो बहुत हिट हुआ था और हम लोगों ने बहुत पसंद किया था, कणकण में व्यापे हैं राम, और मैं भड़काऊ दंगा लेकर उनका नाम, मुझे याद है कि उस वक्त मैं उस स्लोगन से और उस पूरे आंदोलन से इतना प्रभावित हुआ कि मैंने अपना PhD मार्क्सवाद और धर्म पर किया। मैं जानना चाहूँगा कि जो कबीर पे आपने पुस्तक लिखी है, आपकी जो पूरी यात्रा रही है उसमें, कबीर की ये पुस्तक किस तरह से आप इसको देखते हैं, किस पड़ाव के रूप में देखते हैं उस यात्रा में? मणिंद्र जी, असल में आप, पहले तो आप तीनों का धन्यवाद और इस एडुसेट का धन्यवाद कि मुझे अपनी किताब पर बात करने का मौका मिल रहा है, और आप वेद प्रकाश जी और आनंद पांडे, आप तीनों लोग जानते हैं कि कुछ यात्राएं ऐसी होती हैं कि जिनमें गंतव्य से ज़्यादा महत्वपूर्ण यात्रा ही होती है, और मैं मानता हूं कि सोच विचार की यात्रा एक ऐसी ही यात्रा है। आपने सांप्रदायिकता विरोधी आंदोलन का जिक्र किया, वो एक तरह से जो मेरी एकेडमिक सोच थी, मैं पढ़ाता था उस समय, और उसकी पृष्ठभूमि में वेद का भी बहुत सक्रिय योगदान था। सन 87 से हम लोग इस समस्या से किसी न किसी रूप में जुड़ रहे थे और इसको समझने की कोशिश कर रहे थे, तो उन दिनों मैंने ये महसूस किया था कि जिस तरह हम धर्म को देखते हैं, सांप्रदायिकता को देखते हैं, समाज और राष्ट्र के सवालों को देखते हैं, उसका कहीं ना कहीं एक गहरा कटाव हमारी अपनी सोच की परंपरा और हमारी जो वास्तविक जनता का वास्तविक जीवन है उसकी, उसके वर्तमान से भी हम बहुत दूर हैं। इसीलिए ये होता है कि हम अपनी ओर से बड़ी बड़ी बातें करते रह जाते हैं और चीज़ें दूसरे ढंग से घट जाती हैं। तो ये एक बहुत गहरी अंतर्दृष्टि मुझे इस बात ने दी, और जिस स्लोगन की आप चर्चा कर रहे थे, ये रोचक है कि आप जैसे कुछ मित्रों को अगर छोड़ दिया जाए तो बौद्धिक जगत में वो स्लोगन बहुत पसंद नहीं किया गया था, बल्कि उस स्लोगन और स्लोगन को गढ़ने वाले की सांप्रदायिकता विरोधी निष्ठा पर संदेह किए गए थे। कारण उसका ये था कि लोगों को ये पता ही नहीं था कि राम शब्द, राम अवधारणा और राम व्यक्ति के आसपास भारतीय कल्पना और उसके इतिहास में कितने ताने बाने बुने हुए। एक बहुत ही सपाट समझ पूरी की पूरी संस्कृति और इतिहास की हम लोगों की है। तो सांप्रदायिकता विरोधी आंदोलन ने मुझे उस चीज़ को बहुत निकट से देखने समझने का मौका दिया। कबीर पर यहाँ तक सवाल है, तो मेरी दिलचस्पी और काम की शुरुआत तो तभी हो गई थी जब मैं एमए करने आया था JNU सन 1977 में, और एक टर्म पेपर कबीर पर लिखना था मुझे, और वो टर्म पेपर लिखने में कुछ ऐसा हुआ कि मेरी दिलचस्पी बढ़ती चली गई, और फिर मैं सोचने विचारने लगा, और भी काम हुए इसी बीच, सांप्रदायिकता विरोधी आंदोलन, नौकरियाँ, जीवन की आपाधापी, और एक तरह से इसी अर्थ में मैं ये कहता हूँ, मैंने भूमिका में कहा भी है कि ये किताब एक तरह से 32 साल में लिखी गई किताब है, और ये सच है, क्योंकि कबीर और भक्ति आंदोलन से उसको समझने की कोशिश मैं पिछले 32 साल में लगातार करता रहा, 32-33 साल में। जब अपने नोट्स को सहेज के और ये सब करके मैं किताब लिखने बैठा, तो मैंने महसूस किया कि आप कबीर पर तब तक बात कर ही नहीं सकते जब तक कि आप कबीर के समय और उस समय के साथ जो हमारा समय रिश्ता बनाना चाहता है उस पर बात ना करें।
कबीर के समय का मतलब है केवल उस समय के उत्तर भारत और केवल उस समय के हिंदुस्तान का समय नहीं, उस समय की दुनिया का समय। और उस समय की दुनिया के समय का मतलब है, किताब में मैंने उदाहरण दिए भी हैं, कि मार्टिन लूथर आधुनिक हैं, कबीर आधुनिक नहीं, यूरोप आधुनिक है, भारत आधुनिक नहीं है। क्यों? अगर औद्योगिकरण को आप आधुनिकता का प्रमाण माने तो 15वीं सदी के यूरोप में कोई औद्योगिकरण नहीं। अगर व्यापार को औद्योगिकरण का प्रमाण माने तो भारत में व्यापार यूरोप से ज्यादा था, चीन में व्यापार यूरोप से ज्यादा था। सच्चाई यह है कि अरब दुनिया में व्यापार यूरोप से ज्यादा था। ज्ञान के प्रति लगाव को अगर आधुनिकीकरण का प्रमाण माने तो हम सब जानते हैं कि यूरोपियन रेनेसांस अरब विद्वानों और अनुवादकों के बिना संभव नहीं था। ग्रीक चिंतन मध्यकालीन यूरोप तक अरब अनुवादों के जरिए आया है। तो इन सब सवालों से जब मैंने जूझना शुरू किया तो और कई सवाल निकलते चले गए। मिसाल के तौर पर एक जो बड़ी विचित्र स्थिति कबीर के साथ रही है, आप कबीर को उपदेशक मानेंगे, आप कबीर को धर्म संस्थापक मानेंगे, आप कबीर को सुधारक मानेंगे, नहीं मानेंगे तो कवि नहीं मानेंगे। और शुक्ल जी का प्रसिद्ध वाक्य है कि प्रतिभा इनमें बड़ी प्रखर थी, व्यंग्य बड़े अच्छे करते थे। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिनको हम कबीर को स्थापित करने का श्रेय देते हैं और उचित देते हैं, वो कबीर की कविता को बाई प्रोडक्ट कहते हैं, मुख्य वस्तु उनको भक्ति नजर आती है। कबीर के प्रगतिशील प्रशंसक कबीर को केवल एक पोस्टर की आवाज़ में रिड्यूस कर देना चाहते हैं। कवि के तौर पर जब आप किसी को पढ़ते हैं तो आप उसके अंतः संघर्षों को भी पढ़ते हैं, उसके प्रति संवेदनशील होते हैं। आप मिसाल के तौर पर आप दयानंद सरस्वती के टेक्स्ट सत्यार्थ प्रकाश को उस तरह नहीं पढ़ेंगे जैसे मिसाल के तौर पर आप बंकिम चंद्र के उपन्यास को पढ़ेंगे। कवि का मतलब है मेरा सृजनात्मक लेखन, उसमें जो पॉलीफेनी होती है, बहुवचनात्मकता होती है, एक तरह का आत्मसंवाद होता है। मुझे लगा कि कबीर को अगर हम पढ़ें तो क्या कबीर वाकई केवल संयोग से कवि हैं, केवल दूसरे दर्जे पर कवि हैं और मुख्य रूप से उपदेशक और धर्म प्रचारक और धर्म संस्थापक हैं? मेरी किताब ये कहने का प्रयत्न करती है तर्कों और प्रमाणों के साथ कि कबीर प्राथमिक रूप से कवि। और मेरी इस स्थापना ने बहुत से लोगों को बहुत दुखी किया है, बहुत से लोगों को बहुत उत्तेजित किया है। इसी के साथ जुड़ी हुई जो एक और बात निकलती है वो ये, आपने धर्म की चर्चा की, हम धर्म की आलोचना करें या प्रशंसा करें, धर्म की ताकत का स्रोत क्या है, ये सवाल आप क्यों नहीं पूछते? अभी पिछले दिनों एक धार्मिक हस्ती का निधन हुआ, उस हस्ती के प्रति मेरे मन में आस्था है या नहीं है ये अप्रासंगिक है। मेरे लिए महत्वपूर्ण ये है कि उनके तमाम सारे कुछ विवादास्पद कामों के बावजूद करोड़ों लोग उनके प्रति आस्था रखते हैं तो क्यों रखते हैं? इस डायनेमिक्स को ऑब्जेक्टिवली और विनम्रता से समझना पड़ेगा। जब ये समझने का प्रयत्न मैंने किया तो मैंने पाया कि कबीर वस्तुतः धर्म के संस्थापक नहीं, धर्मेतर अध्यात्म की खोज करने वाले कवि। अध्यात्म धर्म के बाहर संभव है या नहीं है, ये एक मेरी जिज्ञासा है जिससे मैं लगातार जूझता हूँ। आपके निज ब्रह्म विचार में आपने इस पर बिल्कुल निज ब्रह्म विचार नाम की जो पुस्तक थी वो इसी सवाल से जूझने के फलस्वरूप लिखी गई थी और उसमें शुरुआत हुई थी जवाहरलाल जी के बारे में कुछ लिखने से, जिससे कुछ मित्रों को बड़ा अच्छा लगा, कुछ को रोचक लगा। जवाहरलाल जी की विचित्र छवि लोगों ने बना रखी है। मैंने जब उनको कोट किया, जब जवाहरलाल जी ने लिखा है कि मैं धर्म के प्रचलित अर्थ में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है लेकिन मुझे अद्वैत वेदांत और प्राचीन भारत और ग्रीस का पैगनवाद बहुत अपील करता है, ये उद्धरण जब मैंने दिया तो लोग चौंके कि ऐसा भी जवाहरलाल जी कह सकते हैं। उससे ज़्यादा जब तब चौंके जब मैंने उद्धरण दिया कि मार्क्स ने बताया कि असल में धर्म जो है वो मानव प्रजाति का एक बुनियादी अध्यात्म जो है वो मनुष्य के मनुष्य होने की पहचान है। तीसरी बात जो इस किताब में निकल के आई कि हम भक्ति को किस तरह देखें। भक्ति का केवल समर्पण, आप राजनीति विज्ञान और इतिहास के विद्यार्थी हैं, इतिहासकारों ने भक्ति के केवल एक रूप को देखते हुए जिसका आरंभ मौर्य काल में माना जाता है या गुप्त काल में माफ कीजिएगा, उसको देखते हुए मान लिया कि भक्ति एक फ्यूडल आइडियोलॉजी का रूप है। मैंने इस पुस्तक में ये दिखाने की कोशिश की है कि भक्ति असल में भागीदारी और ये कोई ऐसा नहीं कि कबीर के ज़माने में ये बात कोई पहली बार पैदा हो गई। अगर आप सच में पढ़ें और चीज़ों को देखें तो पाणिनि और यास्क भक्ति की व्याख्या शेयर और कंपेनियनशिप के रूप में ही करते हैं। अग्नि इंद्र के भक्त हैं तो इस अर्थ में नहीं है कि वो इंद्र के उपासक हैं और इंद्र देवता हैं, वो इस अर्थ में है कि वो दोनों परस्पर मित्र हैं।
मुझे लगता है कि कबीर का महत्व तो इस बात में है कि वो भक्ति के इस विस्मृत हो चले अर्थ को एक तरह से पुनराविष्कृत करते हैं और भक्ति को समर्पण की बजाय, समर्पण है लेकिन समर्पण प्रेम का है, प्रेम में समर्पण होता है, जिसे मैं प्रेम करता हूँ मैं उसके सामने पूरी तरह समर्पित होता हूँ, लेकिन वो समर्पण बॉस के सामने या विजेता के सामने किए गए समर्पण से अलग तरह का समर्पण, ये मास्टर स्लेव रिलेशनशिप नहीं है, इट्स नॉट अ मास्टर स्लेव रिलेशनशिप, ये बराबर वालों का संबंध है। वरना देखिए कबीर के यहाँ खास करके, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे लागा हरी फिरे कहत कबीर कबीर। ये तो कबीर कह रहे हैं, तो इसको आप कैसे मास्टर स्लेव रिलेशनशिप कहेंगे? तो ये सब चीज़ें हैं और इनकी वजह से शायद वो बात हुई जो आपने कहा कि किताब ने तहलका मचा रखा है, हंगामा मचा रखा है, वो मुझे पता नहीं, लेकिन किताब लोग पढ़ रहे हैं, कुछ को अच्छी लग रही है, कुछ को पर्याप्त निंदनीय लग रही है, इसमें मुझे आनंद जरूर आ रहा है। इसके पहले कि मैं और सवाल पे आऊँ, मैं आनंद जी से आग्रह करूँगा कि वो धर्म अध्यात्म और सांप्रदायिकता से शुरुआत हुई और आज के टाइम में जो कबीर की पर एक तरह से कब्जे की लड़ाई है और उसको लेकर के कि जो कवि को स्थापित करना चाहते हैं आप और विचार के आनंद से जो महत्वपूर्ण किताब है, विचार परक किताब है, विमर्श उसमें है, उसमें किताब में आपने कवि के रूप में उनको स्थापित करने की कोशिश की और शायद हजार प्रसाद द्विवेदी के जो योगदान है, का योगदान है कबीर को स्थापित करने में, नामवर जी के हिसाब से आपकी किताब उसके बाद की सबसे महत्वपूर्ण किताब है, लेकिन जब बुनियादी तौर पर द्विवेदी जी उनको कवि के रूप में स्थापित ही नहीं कर पाए तो शायद आपकी किताब उससे महत्वपूर्ण किताब, आगे किताब होनी चाहिए नियमतः। उस किताब में आपने कवि के रूप में स्थापित किया और ये जो अकत कहानी है इसमें सारी चीज़ें खुल करके आती हैं। एक चीज़ कि जो आज का एक जो हाशिए की बात है, चाहे दलित आंदोलन की बात हो, उसमें एक सेक्शन है जो कबीर को धर्म का एक संस्थापक मानता है, तो जो आज की डिबेट में जो किताब महत्वपूर्ण है और उसमें इस पूरी डिबेट में आप, ये क्या एक कबीर के हवाले से दो सवाल हैं, आपकी बात में दो सवाल हैं, हम दोनों पर अलग अलग बात करें। कवि आप किसको कहते हैं? जाहिर है कि कविता के निर्धारण के कुछ प्रतिमान ऐसे होते हैं जो समयबद्ध होते हैं। एक जमाने में छंद विहीन कविता को कोई कविता मानने को तैयार नहीं था, केवल छंदोबद्ध कविता कविता मानी जाती थी। आज का जमाना यह है कि छंदोबद्ध कविता को गंभीरता से लेने के पहले थोड़ा सोच विचार आप करते हैं। आपको छंदोबद्ध कविता की बात सुनते ही लगता है कि कुछ चालू किस्म का, उस तरह का पॉपुलिस्ट किस्म का मामला होगा, लेकिन जो कॉमन था या कॉमन है 500 साल पहले और आज, 1500 साल पहले और आज, कविता की जो मूलभूत परिभाषा है वो ये है कि उसमें आप भाषा का सृजनात्मक विचलनात्मक प्रयोग करते हैं, केवल सूचना परक प्रयोग नहीं करते। उसमें आप शब्दों को ऐसे अर्थ देते हैं जो ना शब्दकोश में उपलब्ध हैं और ना लोक व्यवहार में, और जो उपलब्ध अर्थ हैं उनको भी आप एक ऐसी व्यवस्था में रखते हैं जिससे कि कुछ नया अर्थ पैदा होता है। इस प्रतिमान को अगर आप लागू करें तो मैं विनम्रतापूर्वक ही कहना चाहूँगा कि कबीर बहुत ऊँचे दर्जे के कवि। मैं उनको शास्त्र का ज्ञान नहीं था, ये कोई ये अंग्रेजी में कहें तो टाउटोलॉजी, दुनिया जानती है कि नहीं था, लेकिन दैट हार्डली मेक्स अ डिफरेंस। और वैसे शास्त्र का ज्ञान नहीं था ये कहना भी गलत है, मेरी अपनी धारणा ये है कि संभवतः था, उपयोग उसका वो नहीं करते थे, ये उनकी च्वाइस हो सकती है। एनीवे, अब जैसे एक साखी है कबीर की, ये जग आंध्रा जैसी अंधी गाय, बछा था सो मर गया थाली चाम चटाई। अब आप इसमें ये कह सकते हैं कि कबीर जगत की नश्वरता के बारे में बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, लेकिन आपको ये बात छू रही है, आपके मन में कुछ खलबली पैदा कर रही है, तो वो उस बिंब की वजह से कर रही है जिस बिंब की रचना कबीर इस साखी में कर रहे हैं। ये जग उसी तरह अंधा है जैसे, सोचिए मतलब सुनते ही अजीब लगने लगता है, जैसे वो अंधी गाय बेचारी जिसको पता ही नहीं है कि उसका बछड़ा मर गया, बछड़ा तो मर चुका है लेकिन वो उसे चाटे जा रही है जैसे अपने जिंदा बछड़े को चाटती थी। ये जो बिंब है ये क्या, ये कविता है या नहीं? फिर जो कबीर की प्रसिद्ध उलटबासियाँ हैं जिनको तरह तरह से रहस्य उक्ति, ठीक है रहस्य है, मैं रहस्य को नकारता नहीं हूँ, लेकिन क्या उसमें आपको भाषा का एक स्वरार्थी प्रयोग नजर नहीं आता? फिर उनकी प्रेम की कविताएं जिनमें इतनी गंभीर और इतनी, सपने हरी मिलिया सूते लिया जगाई,
आँख ना खोलूं डरपता मत सुपना है जाई। आप जरा इस साकी में इतने संक्षिप्त अवकाश में कितने जटिल बिंब को कभी मिला। इसलिए मैंने कहा कि मैं निराधार कोई बात नहीं करता हूँ, कबीर प्राथमिक रूप से कवि और इसीलिए जीवित रहे, उपदेशक और भी थे, निर्गुण भक्ति आंदोलन में ही 100-150 कवि थे, सबके सबको वो महत्व नहीं प्राप्त हुआ जो कबीर को। और ये हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि कबीर को महत्व पिछले 100-125 साल में अंग्रेजी बोलने वालों ने दे दिया है। पीपा और नाभादास से लेकर के पूरी एक परंपरा कबीर के देशवज विमर्श की है, जिसकी इस किताब में बहुत तफसील से चर्चा है। दूसरी बात जो आपने कही, मेरा निवेदन सिर्फ ये है कि कबीर और कबीर पंथ के बीच में फर्क करना जरूरी। कबीर के नाम से पंथ स्थापित हुआ कम से कम 100 साल, इसलिए कबीर को धर्म संस्थापक कहने का कोई अर्थ नहीं है। तीसरी बात जो आपकी बात में अंतर्निहित है, हाशिए की आवाज़। किताब का एक केंद्रीय सवाल यही है कि जिन्हें आज आप हाशिए की आवाज़ कहते हैं, उन्हें हाशिए की आवाज़ बनाने में औपनिवेशिक आधुनिकता और साम्राज्यवादी सत्ता का क्या योगदान है? वरना जिनको आप हाशिए की आवाज़ आप कह रहे हैं, देखिए किंवदंतियों पर ध्यान दीजिए, कबीर का निधन होता है, उनके शरीर को दफन किया जाए या दाह दिया जाए, इस पर तलवारें खिंच जाती हैं। किसके बीच में? नवाब और राजा। क्यों भाई? पीपा जो हैं वो तो राजा थे गढ़गागरौन के, राजा होते हुए भी स्वेच्छा से उन्होंने छोड़ के दर्जी का पेशा अपना लिया था, और अपना गुरु बल्कि कलयुग में जगत का उद्धार करने का श्रेय किसको दे रहे हैं? कबीर को। कबीर कौन थे? काशी का जुलाहा। तो ये बहुमान्य स्वर था, ये हाशिए का स्वर नहीं था। ये हाशिए का स्वर नहीं था, हाशिए का स्वर मैंने किताब में लिखा भी है कि अगर कबीर और तुकाराम से जुड़े हुए सीधे जुड़े हुए लोगों ने यूनिवर्सिटीज खोली होती तो अंग्रेजी के पैलेस में कबीर और तुकाराम पढ़ाए जाते और तब आपको नहीं लगते वो कि वह हाशिए की आवाज़ है। तो आप कह रहे हैं कि जो जिसको आप कहते हैं औपनिवेशिक कर्म धर्म ज्ञान कांड, औपनिवेशिक ज्ञान कांड ने एक तरीके से हमारा ज्ञान संसार रचा है, जिसमें हमारे अपने ही लोगों को उन्होंने हाशिए पर रख दिया है और बहुमान्य आवाज़ को हाशिए की आवाज़ बना के रख दिया है। देखिए, इस किताब का एक रिव्यू करते हुए रविंद्र त्रिपाठी ने एक बहुत मार्के की बात कही थी, वो मैं यहाँ दोहराना चाहता हूँ। रविंद्र त्रिपाठी ने उस रिव्यू में ये कहा था कि इस किताब को पढ़ के ये बात बहुत जोर से रेखांकित होती है कि उपनिवेशवाद की सबसे बड़ी सफलता ये है कि भारत में या दुनिया के किसी भी उत्तर उपनिवेशी समाज में आज जब समस्याओं की चर्चा की जाती है तो उपनिवेशवाद के योगदान को कोई याद नहीं करता। हम उपनिवेशवाद के प्रति कृतज्ञ बहुत होते हैं और होना भी चाहिए, ठीक है, आधुनिक शिक्षा जिसको आप कहते हैं अंग्रेजी और इस सब के लिए आप कृतज्ञ हुई है, लेकिन आप जानते हैं हमारे आज हालत यह है कि 1857 के विद्रोह की निंदा करना प्रगतिशीलता का प्रमाण बनने लगा है। इसी को याद किया था रविंद्र त्रिपाठी ने कि उपनिवेशवाद की सबसे बड़ी सफलता, और ये समस्या केवल भारत तक सीमित नहीं। इस किताब का एक बहुत महत्वपूर्ण तर्क यह है कि आज के भारत को और उसमें विडंबनाओं को समझने के लिए औपनिवेशिक ज्ञान कांड के योगदान को समझना जरूरी है, और पुस्तक इसकी कोशिश करती है। आपने चर्चा किया पेंडुलम धर्म का, कि पेंडुलम धर्म से मुक्ति पाना बहुत जरूरी है। पेंडुलम धर्म क्या है? देखिए, असल में इसका जिक्र सर विचार के अनंत वो शुरू वहीं से हुआ है, विचार का आनंद से ही है, विचार का आनंद से ही है। आप तीनों जानकार लोग हैं, जिसको आजकल उत्तर आधुनिकतावाद कहा जाता है, उसकी एक बुनियादी मान्यता यह है कि कोई मूल्य, कोई संस्कार, कोई मान्यता सार्वभौम हो ही नहीं सकती, सब कुछ जो है वो प्रासंगिक है, इतिहासबद्ध है, और इसलिए ये कहना कि साहब मिसाल के तौर पर व्यक्ति सत्ता एक सार्वभौम मूल्य है या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी एक सार्वभौम मूल्य है, तर्क ये दिया जाता है कि ये गलत है, क्योंकि हर समाज की अपनी विशेषताएँ हैं और उन विशेषताओं के आधार पर ही उस समाज को जांचा जाना चाहिए। इसके आधार पर आप जानते हैं कि कुछ विद्वान बड़ी अजीब अजीब मान्यताओं को भी जस्टिफाई करते पाए जाते हैं, नाम लेने से फायदा नहीं। उसी प्रसंग में मैंने लिखा है कि एक मान्यता ये थी कि ज्ञान का और मानवीयता का एकमात्र स्रोत यूरोपीय प्रबोधन, ये एक। दूसरा सिरा ये है कि हर समाज में अपनी विशेषताएं हैं और किसी तरह का कोई यूनिवर्सल प्रबोधन या किसी तरह का कोई यूनिवर्सल वैल्यू स्केल संभव ही नहीं है। इसी को मैंने पेंडुलम धर्म कहा है। अच्छा। कि एक अति से दूसरी अति पर जाना ये पेंडुलम का धर्म है, इंसान को ऐसा नहीं करना चाहिए। बस इतनी सी बात है। अच्छा, आपने एक बात की है कि भारतीय चैतन्य का ये साझा सपना,
जो मुझे लगता है मेरे लिए महत्वपूर्ण इसलिए है कि समाजशास्त्रियों के को भारतीय समाज को समझने में परेशानी हो रही है, क्योंकि साझा सपना के रूप में वो देखते नहीं हैं, वो सबको अलग अलग करके देखने की कोशिश करते हैं और एक जो अपने वैसे ज्ञान कांड है उससे सब कुछ देखने की कोशिश करते हैं, तो एक साझा सपने के रूप में चीज़ें दिखती नहीं हैं, जबकि दिखनी चाहिए, जबकि दिखनी चाहिए, बहुत साफ तौर से दिखनी चाहिए। क्योंकि हम लोग देखिए, एक समस्या ये है, और ये समस्या खास करके हमारे वामपंथी दक्षिणपंथी सभी विचारकों और शोधार्थियों के साथ है, जब आप इतिहास को केवल वर्तमान की राजनीति के अखाड़े के रूप में बदल देते हैं तो आप वर्तमान राजनीति का भी नुकसान करते हैं और इतिहास का भी नुकसान करते हैं। आज की राजनीति के हिसाब से ही आप कबीर को जांचेंगे, आज की राजनीति के हिसाब से ही आप तुलसीदास को जांचेंगे या उनके पहले के लोगों को जांचेंगे या बाद के लोगों को जांचेंगे तो आप अपना नुकसान करेंगे। साझे सपने की बात आप कर रहे थे, गांधी और अम्बेडकर कुछ लोगों के हिसाब से एकदम दो छोरों पर परस्पर विरोध में खड़े हुए लोग हैं, ठीक है, स्पष्टता दिखता भी है, लेकिन उनकी सारी गतिविधियों और सारे परस्पर विरोधों में और तीखे विवादों में कहीं कोई साझा सपना दिखता है या नहीं दिखता? जब अंबेडकर संविधान सभा में ये कहते हैं कि संविधान की सबसे बड़ी चुनौती ये है कि यह एक लोकतांत्रिक संविधान है जो एक बद्ध मूल रूप से अलोकतांत्रिक समाज में लागू किया जा रहा है, और इसलिए संविधान की सफलता या असफलता का प्रतिमान यह है कि हम राजनीतिक लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र में बदलने में कब और कितनी हद तक सफल होती है। ये बात हमारे समाज के साझे सपने को प्रतिबिंबित नहीं करती। गांधी और अंबेडकर के बीच, गांधी और नेहरू के बीच 10 तरह के विवाद हैं, 10 तरह के झगड़े हैं, कहीं कोई साझापन आपको दिखता है? इनकी आप किसी भी ऐतिहासिक व्यक्तित्व की 50 प्रकार की आलोचना कर सकते हैं और आपको करनी चाहिए, लेकिन मैं उन समाजशास्त्रियों की बुद्धि पर सचमुच चकित होता हूँ जिन्हें भारतीय समाज में साझा सपना नहीं दिखता और भारतीय समाज में सारे झगड़े टंटों के बावजूद एक कम से कम जिसको कहेंगे यूनिटी हो या ना हो, एक क्रेविंग फॉर यूनिटी, एकता की एक वासना इस समाज में। आप मनिंद्र जी, आप तो जानकार आदमी हैं, दुनिया के किन समाजों में इतने व्यापक महत्व के सामाजिक परिवर्तन इतनी कम हिंसा के साथ हुए? बिल्कुल, अमेरिका में अश्वेतों के साथ होने वाला व्यवहार, अमेरिका आज़ाद हो गया था 1757 में, 1957 तक अमेरिका के दक्षिणी राज्यों में एपार्थाइड कानूनी रूप से मान लेता। भारत की स्थिति की तुलना कीजिए इससे, मैंने इस किताब में उदाहरण दिए हैं। 20वीं सदी के आरंभ तक अमेरिका के दक्षिणी राज्यों में लिंचिंग कार्निवाल्स होते थे। आपने पुस्तक दहन का भी उदाहरण दिया है, पुस्तक दहन के उदाहरण, मतलब पुस्तक दहन यानी आज मैंने लिखा है इसमें और तंज के साथ लिखा है और मैं मानता हूँ कि बिल्कुल सही लिखा है। मेरी जानकारी में नहीं है कि अंग्रेजी राज स्थापित होने के पहले या कबीर पंथियों ने रामचरितमानस या तुलसीदास के प्रशंसकों ने बीजक की कोई होली जलाई। अगर किसी की जानकारी में हो तो मेरा ज्ञानवर्धन करे। दिस वॉज नॉट पार्ट ऑफ दिस कल्चर। इसलिए मैंने कहा कि हम साझा सपना देख सकते हैं बशर्ते कि हम अपने वर्तमान की राजनीति को इतिहास पर आरोपित करने की प्रवृत्ति से थोड़ा अलग हटके इतिहास को इतिहास की तरह देखें, वर्तमान को वर्तमान की तरह देखें। सर, वेद प्रकाश जी, जिस सारे सपने की आप बात कर रहे हैं, ये जो आज की हमारी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था है, क्या वो हमारे मन में खंडित समाज चीज़ों को टुकड़ों में देखने के लिए हमें मजबूर कर रही है? और शायद इसीलिए आप बार बार, जैसे आपने कहा है कि मनुष्य की सहज कल्पना और उसकी अध्यात्म सत्ता का क्षय जो है वो धर्म सत्ता के रूप में परिवर्तित होता है, और हम देख रहे हैं कि धर्म सत्ता एक नए रूप में अधिक शक्तिशाली हो रही है। धर्म शक्तिशाली हो रहा है या नहीं हो रहा है, पर धर्म सत्ता जरूर शक्तिशाली हो रही है, ये हमने 4-5 दिन पहले भी अच्छी तरह से देखा। तो इससे लड़ने के लिए मैं एक बार फिर से, हालांकि आपने किताबें विस्तारपूर्वक कहा है, फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप दर्शकों को बताएं कि कविता की क्या भूमिका हो सकती है इस धर्म सत्ता की शक्तिशाली होते जाने। देखिए, कविता की एक बहुत बड़ी भूमिका, बहुत अच्छा सवाल आपने किया और मैं इसको जोड़ूंगा कविता की भूमिका के साथ साथ प्रेम की भूमिका से। मैंने इस किताब में ये सवाल उठाया है और बाल गोपाल को कोट किया है। गुजरात में हुए नरसंहार या हिंसा के बाद बाल गोपाल ने बड़ी वेदना के साथ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में एक लेख लिखा था, मैंने उद्धृत किया है कि क्या प्रेम सिखाना भी उतना ही आसान हो सकता है जितनी कि यह घृणा सिखाना। मैं व्यक्तिगत रूप से ये हमेशा मानता हूँ, मणिंद्र जी, आनंद जी, वेद,
मुझे हिंसा कभी उतनी परेशान नहीं करती। हिंसा अगर एक विचलन के रूप में देखी जा रही है, हिंसा करने के वाले के प्रति आपके मन में वितृष्णा है, तो हिंसा दुखद है, लेकिन वो एक सामाजिक परिघटना के रूप में बहुत चिंतनीय नहीं, क्योंकि कोई समाज ऐसा हो नहीं सकता जिसमें थोड़ी बहुत हिंसा न हो। मुझे परेशान वो स्थिति करती है जब आप हिंसा को और नितांत अवैयक्तिक किस्म की, निर्वैयक्तिक किस्म की घृणा पर आधारित हिंसा को जस्टिफाई कर दें, जब आप विधवा दहन को जस्टिफाई करें, जब आप सांप्रदायिक हिंसा को जस्टिफाई करें, जब आप तरह तरह के विचित्र विचित्र फैसलों के कारण प्रेमियों को फांसी पर लटकाए दिए जाने वाली घटनाओं को जस्टिफाई करें और उस तरह के जस्टिफिकेशन के लिए समाज में आधार हो, ये स्थिति मुझे चिंतित करती है। यहाँ से मैं वेद के सवाल पर आता हूँ। क्या कोई ऐसी राजनीति, क्या कोई ऐसी सोच संभव है जो बुनियादी तौर से घृणा की बजाय प्रेम और संवाद पर आधारित हो, जिसमें आलोचना में भी प्रेम का एक तत्व हो, जिसमें आप दूसरे व्यक्ति को सिर्फ इसलिए गलत ना माने कि वह आपसे असहमत है या उसकी सांस्कृतिक या सामाजिक पहचान आपसे जुदा किस्म की है? क्या इस तरह की कोई राजनीति संभव है? ये किताब इस दिशा में एक, इस सवाल को आर्टिकुलेट करने की दिशा में एक कोशिश है और मेरी ये आस्था है कि ऐसी राजनीति संभव है, नंबर एक। नंबर दो, कविता क्या है? आपने विचार कानंद का जिक्र किया, विचार कानंद में मैंने लिखा है कि साहित्य असल में परकाया प्रवेश की विधा है। यानी मैं केवल अपना ही दुख कहता रहूं तो मैं अपने आप को साहित्यकार नहीं कह सकता, क्योंकि अपना दुख तो जिसके पास भाषा नहीं है वो भी कह लेता है। लेकिन मिसाल के तौर पर, ये मेरा प्रिय उदाहरण है, मैं हमेशा देता हूँ, मैं 55 साल का हो गया हूँ, मैंने कभी एक साथ इकट्ठे एक मुश्त 55 दिन हिंदुस्तान के किसी गांव में नहीं बिताए। लेकिन हिंदुस्तान के गांव की हालत के बारे में मैं बहुत सेंसिटिव ढंग से बहुत सारी चीज़ें जानता हूँ, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। और उसका कारण ये है कि मैंने प्रेमचंद को पढ़ा है, राजा राव को पढ़ा है, और फणीश्वर नाथ रेणु को पढ़ा है, और गोपीनाथ मोहंती को पढ़ा है। साहित्य लेखक को और पाठक को दोनों को अपने आत्म से आगे जाने की, आत्म का विस्तार करने की अपेक्षा भी देता है और स्पेस भी देता है। और इसलिए किसी भी सामाजिक परिवर्तन में अगर आप चाहते हैं कि बुनियादी संवेदनशीलता बनी रहे, तो ऐसा कोई भी सामाजिक परिवर्तन जो कविता को केवल एक दूसरे दर्जे की या केवल क्रांति का माध्यम मानने की गतिविधि मानने की गलती करता है, ऐसा सामाजिक परिवर्तन स्थायी नहीं होगा, बल्कि उसके उल्टे नतीजे निकल सकते हैं जो हम 20वीं सदी की कुछ सफल और असफल क्रांतियों के इतिहास से देख चुके हैं। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि भारत में या दुनिया में कोई भी गंभीर और दूरगामी सामाजिक परिवर्तन आपको करना है तो कविता और प्रेम की राजनीति की संभावनाओं को तलाशना पड़ेगा। रही बात धर्म की, मैंने पहले भी कहा, किताब में लिखा भी है, आप देखें तो किसी भी धर्म में आस्था तंत्र है, सत्ता का एक तत्व है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है आपके हेयर एंड नाउ एक्सपीरियंस से आगे जो हो सकता है उसकी व्याख्या का एक ढांचा, वो उपलब्ध है, वो तार्किक या अतार्किक है मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, लेकिन वो उपलब्ध है। और उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है अध्यात्म का तत्व, अपने से परे जाने की, अपने से बाहर कुछ किसी एक सार्थक रूप में अपने आप को जोड़ने की कोशिश। जब तक इन चीज़ों के विकल्प के रूप में या इन चीज़ों के विभिन्न पहलुओं को आप नहीं समझेंगे, तब तक आप धर्म की निंदा कितने भी करते रहें, संगठित धर्म की और उससे जुड़ी अच्छी बुरी चीज़ों की, आप धर्म का बिगाड़ कुछ नहीं पाएंगे। 19वीं सदी में फ्रेडरिक एंगल्स को लगा था कि धर्म की भूमिका अब समाप्त हो गई, क्योंकि अब औद्योगिकरण आ गया है, पूंजीवाद आ गया है, आप तीनों इस बात को जानते हैं। 19वीं सदी में फ्रेडरिक एंगल्स लिख रहे थे। कभी कभी मुझे ये सोच के हंसी आती है कि अगर फ्रेडरिक एंगल्स 2011 में होते तो यूरोप से लेकर भारत तक और भारत से लेकर अमेरिका तक धर्म की हालत देख के अपनी बात पर पुनर्विचार करते या नहीं करते। धर्म इतना प्रबल और इतना प्रचंड कभी नहीं था, मैं ये दावे से कह सकता हूँ, अपने विश्व इतिहास के थोड़े बहुत ज्ञान के आधार पर। धर्म का इतना पावरफुल सोशल प्रेजेंस मानव इतिहास में कभी नहीं था जितना आज है। मेरा ख्याल है मणिंद्र जी मुझसे। बिल्कुल बिल्कुल। और आपने एक बात कही है, धर्म का मर्म,
धर्म का मर्म समझने की कोशिश मेरे ख्याल से लोग कर नहीं पाए मॉडर्निटी और एनलाइटनमेंट के चक्कर में, क्योंकि आपने ये मान लिया ना कि धर्म बाय डेफिनेशन एक या तो बकवास है या वो केवल एक आइडेंटिटी तक सीमित चीज है या एक जैसे उन्होंने कहा कि एविल है, आपने उसके साथ संवाद कहाँ किया? बिल्कुल। और अध्यात्म को तो आपने बिल्कुल ही मतलब एक तर्कहीन और निरर्थक बात के रूप में रिड्यूस कर दिया। दिलचस्प बात है कि भारत के दो बड़े व्यक्तित्व गांधी जी और अम्बेडकर दोनों धर्म की भूमिका को बहुत एग्जैक्टली बिल्कुल सर, वो जो किताब का दूसरा महत्वपूर्ण चैप्टर है और जो पूरी किताब का एक तरह से कहें कि एक अधूरी मतलब उसी पर चर्चा है केंद्रित, और किताब की जो एक तरह से जो की प्रसिद्धि है और जो उसकी विचार उत्तेजना तेजक क्षमता है वो उसी दूसरे अध्याय को लेकर के है जिसमें आपने भक्ति के लोकवृत्त और की चर्चा की है और औपनिवेशिक आधुनिकता की बात की है। उसमें आपकी केंद्रीय जो स्थापना है कि देशज आधुनिकता की बात जो हजार शताब्दी के आसपास हमारे समाज में एक चाहे शिल्पकारों दस्तकारों और इनके व्यापारियों के केंद्रीय महत्व आने के नाते जैसे भी हो एक गतिशीलता समाज में आती है और जिसे आपने देशज आधुनिकता शब्द दिया है। आज हम लोग एक लोकतांत्रिक समाज में एक अपने को कहते हैं कि एक यूनिवर्सल समाज के हिस्से के रूप में देखते हैं और बहुत प्रगतिशील प्रक्रियाएं हैं और जाहिर सी बात की काफ़ी हद तक सही है। और हमारे जो हाशिए के समाज हैं जैसे ज्योतिबा फुले कहते थे और आज के बहुत सारे दलित विचारक कहते हैं कि अंग्रेज अगर नहीं आए होते तो एक तो समाज का अधिकांश हिस्सा जो है वो गुलामी की स्थिति में होता, पाशविक स्थिति जीने को मजबूर होता, और दूसरी बात ये कि जो हमारे पास जिन चीज़ों की मैंने मूल्यों और आधुनिक मूल्यों और लोकतांत्रिक मूल्यों की बात की ये दोनों चीज़ें दो कोणों से ये बात साबित करती हैं कि तो ये साबित करती हैं कि ये अंग्रेजों का आना यहाँ कई अर्थों में क्रांतिकारी रहा और ये रहा। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मेरी भी बहुत जिज्ञासा रहती है कि ये अंग्रेजों के आने और ये इंग्लैंड की जो औद्योगिक क्रांति है उसने दुनिया को बदला, उसके पहले की दुनिया कैसी थी, उस अगर ये सारी चीज़ें न हुई होती तो ये क्या उस तरह की हमारी जो हजार साल पहले भारत में शुरू मतलब आधुनिकता की वो किस हद तक जाती है, आज हम क्या एक मतलब एक कल्पना की बात कह सकते हैं कि एक आकलन लगा सकते हैं कि किस स्थिति में हम होते, इस बात को समझना मुझे लगता है कि किताब के लिए किताब में जो लिखा गया है उसी को एक बार फिर से आपके सामने रखना चाहूँगा। ये बातें किताब छपने के बाद भी आई हैं, उसके पहले भी आई हैं, और असल में तो ये बात 1853 में मार्क्स ने जो लेख लिखा था ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड फ्यूचर रिजल्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये सारी बातें मूलतः उसी लेख की प्रतिध्वनि हैं कि कितना भी दुखद आपको क्यों ना लगे उपनिवेशवाद और कितनी भी उसमें हिंसा क्यों ना हो, लेकिन ये अंततः भारत जैसे जड़ समाज को इतिहास के प्रभाव में खींच लेने के लिए जरूरी है। हमारे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है इन चीज़ों के विस्तार में जाने का, लेकिन फिर भी यूरोप के अलावा इतिहास का प्रभाव कहीं नहीं था, इतिहास केवल यूरोप में संभव था, ये मूलतः हीगेलियन धारणा है, और इस हीगेलियन धारणा के ही चलते तमाम गैर यूरोपीय समाजों को इतिहास बाह्य समाज के रूप में देखने की वृत्ति यूरोप के विचारकों में रही है। मैंने इस पुस्तक में अफ्रीका के विचारक अचिल मेमम्बे को कोट किया है जिसमें उन्होंने दो टूक लिखा है कि चाहे मार्क्सवादी हों चाहे मार्क्सवाद विरोधी, नीचे के उत्तराधिकारियों चाहे हाइडेगर के चाहे हीगल के, ये मानने में सबके सब एकमत हैं कि तर्क सत्ता और बुद्धि और व्यक्ति सत्ता का उदय यूरोप के बाहर कहीं हो ही नहीं सकता था, और इसीलिए सारे के सारे बाकी समाज जो हैं वो पारंपरिक या जड़ समाज थे, अकेला यूरोप का समाज एक गतिशील और प्रगतिशील समाज था। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में सितंबर 2010 में, ये 2011 चल रहा है ना, 2010 में यानी मेरी किताब आने के बाद, डोनाल्ड एडवर्ड नाम के एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट का लेख छपा है और उस लेख का शीर्षक ही है हाउ आई लर्न्ड टू डू इनकरेक्ट रिसर्च, और उस लेख के निष्कर्ष के रूप में उन्होंने बताया है कि मेरी ऐसी बहुत सी धारणाएं जो आधुनिक स्कॉलरशिप का हिस्सा बनी हुई हैं वो फील्ड वर्क के दौरान टूटती चली गई, और मैं अब ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि व्यक्ति सत्ता और समाज और व्यक्ति का एक तरह का डायलॉजिकल संबंध केवल यूरोप की पपौती है। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि जिन्हें आज हम मार्जिनलाइज्ड और पिछड़े हुए समूह कहते हैं वो यूरोपीय इतिहास में हमेशा से उसी तरह से थे। महाराष्ट्र पर उनका काम है,
और उन्होंने 18वीं 19वीं सदी के महाराष्ट्र में खास करके माली समुदाय के और अन्य पिछड़े और उस तरह के समुदायों की सामाजिक और राजनीतिक ताकत के प्रमाण दे करके उनकी चर्चा की। डोनाल्ड एटवुड की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे अनेकों उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ। जो मुख्य बात निकल के आती है वो ये है, आपने अंग्रेजी राज की महत्ता और अंग्रेजी राज के महत्वपूर्ण योगदान की बात की, मैंने किताब में भी उल्लेख किया है। माइक डेविस नाम के एक अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है अकालों का अध्ययन करते हुए। उन्होंने खुद अंग्रेजी राज के अफसरों के आंकड़ों से बताया है कि 1857 के 1875 से लेकर के 1900 तक के भारत में अकाल के कारण 2.5 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई थी। आप ज़रा कल्पना कीजिए 19वीं सदी के अंत में भारत की आबादी कितनी रही होगी सारे भारतीय उपमहाद्वीप की। सर उस मेरी बात सुन लीजिए, मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि इन 2.5 करोड़ लोगों में भारतीय समाज का जो ढांचा है परंपरागत रूप से, जरा हम इस सवाल पर विचार करें कि इन 2.5 करोड़ लोगों में दलित कितने रहे होंगे, आदिवासी कितने रहे होंगे और पिछड़े कितने, संभावना नेचुरली पिछड़े कितने रहे जो अकाल में सस्टेन नहीं कर पाए। 2.5 करोड़ लोग, कैन यू इमेजिन, हर साल कितने लोग मरे 25 साल में, 10। इस बात पर ध्यान दीजिए कि माइक डेविस की किताब का नाम है विक्टोरियन होलोकॉस्ट। जो यूरोप के इतिहास से वाकिफ लोग हैं वो होलोकॉस्ट शब्द का मतलब समझते हैं। होलोकॉस्ट शब्द का प्रयोग हिटलर द्वारा यहूदियों के जाति नाश के लिए लगभग पारिभाषिक शब्द की हैसियत इतिहास में हासिल कर चुका है। ये माइक डेविस नाम का इतिहासकार ब्रिटिश राज के 19वीं सदी के रिकॉर्ड को विक्टोरियन होलोकॉस्ट कह रहा है। उसी ने एक दूसरा तथ्य दिया है जिसको काटने वाला कोई तथ्य मुझे नहीं मिला है कि 1857 से 1947 तक भारत की प्रति व्यक्ति आय में कोई वृद्धि नहीं। आप जरा मैं आंकड़े नहीं जुटा पाया हूँ, आप जरा आंकड़े जुटाइए कि इंग्लैंड की प्रति व्यक्ति आय में कितनी वृद्धि। मैं उपनिवेशवाद की भूमिका को दो रूपों में देखता हूँ। एक ये कि कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिनके नेचुरल फॉलोआउट थे, जिनको उपनिवेशवाद रोक भी नहीं सकता था, और मार्क्स जब बात कर रहे थे तो वो उस तरह की चीज़ों की बात कर रहे थे, जैसे रेलवे। रेलवे चलेगी तो जो सामाजिक एटीट्यूड्स और आदि की जड़ताएं हैं वो टूटेंगी। उद्योग आएगा तो ये संभव नहीं रहेगा एक सीमा के बाद कि साहब बनिए का बेटा जो है केवल व्यापार करेगा और फलानी जाति का बेटा जो है, अगर उद्योग में आपको लाभ उठाना है तो आप वो पारंपरिक जाति सूचक पेशों से आप बाहर निकलेंगे। अब इसके बाद हम इस बात पर विचार करें कि जिस, देखिए जो बात आप कह रहे हैं वो मूल सवाल ये है कि जिस समाज में अंग्रेज आए क्या वो वस्तुतः एक जल समाज था। पहला सवाल ये, पहला सवाल ये, क्या वो वस्तुतः एक जल समाज था। अगर वो जल समाज था तो कबीर और तुकाराम दोनों अपने वक्त से आगे प्रतीत होते हैं। कबीर और तुकाराम की बातें हमें आधुनिक चित्र के बहुत निकट प्रतीत होती हैं। अकबर भी, अकबर का मैंने उल्लेख किया है, अकबर की सोच वो जो है वो आधुनिक राजाओं जैसी प्रतीत होती है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कबीर और तुकाराम के साथ उनके समाज का रिश्ता क्या था, क्या कबीर की रचनाएं खो गई थी और आपने उनको डिस्कवर किया है, क्या तुकाराम की रचनाएं खो गई थी और केवल 20वीं सदी में प्राप्त हुई हैं। मैंने इस किताब में सवाल पूछा है कि जो समाज इन लोगों की बात सुन रहा था और इनमें उसमें से कुछ लोग इनके अनुयायी बन रहे थे, क्या उसे जड़ समाज कहा जा सकता। अनुयायी बनने वाले लोग कौन थे, मैंने एक उदाहरण दिया है, गांधी जी इंग्लैंड से लौटे तो जाति चली गई है, उन्हें गोदावरी में स्नान करना पड़ा, ब्राह्मण भोजन कराने से उन्होंने इनकार कर दिया कि स्नान वस्नान कर लूंगा इससे आगे कुछ नहीं करूंगा। उन्हीं गांधी जी के प्रांत के व्यापारी हैं, जो व्यापारी हैं मेहराज ठाकुर, जो महामति प्राणनाथ के नाम से जाने जाते हैं, 17वीं सदी के हैं, अरब से नियमित उनका व्यापार है, उनकी तो जाति गई। तो जिंदगी में 50 बार अरब जाते हैं आते हैं, समुद्र पार करते हैं जाते हैं आते हैं। सर वो गांधी जी का नाम आपने सही लिया और अभी नहीं, मैं पूरी बात कह रहा हूँ। मैं देखो आनंद, ये जो बात होती ना कि अंग्रेज नहीं आते तो ऐसा होता, अंग्रेज आए तो ऐसा हुआ, ये कुछ कुछ वो बात है कि डुबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता, अगर यूँ होता तो यूँ होता, यूँ इन बातों में क्या रखा है। ऐतिहासिक रूप से आप देखो क्या स्थिति, भारत में अंग्रेजी राज के कुछ बहुत अच्छे परिणाम निकले उसको मैं नहीं नकार सकता, लेकिन जिस समाज को उन्होंने तोड़ा फिर अपने ढंग से बनाया, भाई मैंने उदाहरण दिए, क्रूक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट
क्रोक कह रहा है कि मैदानों में जो जोशी ब्राह्मण पाए जाते हैं उसमें शुद्ध ब्राह्मण गोत्र बहुत कम है, और जिन गोत्रों के उसने नाम दिए हैं वो आप गिन लीजिए कौन से गोत्र हैं। उसमें बड़ गुजर हैं, उसमें दुसाध हैं, वो कह रहा है कि दो पीढ़ी पहले तक ये लोग बड़ गुजर थे, आजकल जोशी कहलाने लगे। राजा ने ब्राह्मणों के बना दिया। मैंने दी उदाहरण कि कोई राजा साहब किसी से खुश हो गए, बोले कौन जात हो जी, वो बड़ा मजेदार उदाहरण है, वो क्रुक से ही लिया है मैंने, सुनो ये बहुत मजेदार है। और राजा साहब के शिकार करने गए थे, प्यास लगी तो अगले ने पानी पिला दिया, बोले कौन जात हो, तो मालूम पड़ा कि वो तो तथाकथित नीच जात का था, तो अब राजा का तो धर्म चला गया, नीच जात से पानी पी लिया। राजा बोले कुछ नहीं, तो मास्टर पांडे पांडे निर्माण हुआ, लिखा है मैंने किताब में, उदाहरण ये अभी भी होता है। और राजा ने कह दिया तो थोड़ा बहुत कुन बनाए होंगे उस इलाके के पांडे लोग, पांडे हो गए ठीक है, उस इलाके के पांडवों ने रोटी बेटी का संबंध ही रखा, दूसरे इलाके के पांडे रखने लगे। तो ये जो डायनेमिक्स है कास्ट सिस्टम का, देखिए मेरी शिकायत जो है कि आपने ब्रिटिश पूर्व कास्ट को एक परमानेंट स्ट्रक्चर, एक स्थाई और एक जड़ समाज के रूप में देखा है, ऐसा है नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि उसमें असमानताएं नहीं है, उसमें शोषण नहीं है, उसमें अत्याचार नहीं है, नहीं होती तो कबीर काहे को इतना दुखी होते, तो काराम काहे को इतने दुखी होते। लेकिन ये मत कहिए, यानी ये तो कुछ उस तरह की बात हो जाएगी कि अगर आज भारत में कोई आलोचना करता है सरकार की तो आप कहेंगे लोकतंत्र है ही नहीं, वरना ये सब आलोचना क्यों हो रही है, तो कुछ उस तरह का तर्क है। सर वो आपने एक फॉस्टियन पैक्ट जो है, हाँ, जो मेरे विचार से इस किताब में ज्यादा महत्वपूर्ण हुई था, प्रेम और कविता के। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं औपनिवेशिकता की चर्चा करते करते मैं भी थक चुका हूं। एक सर छोटा सवाल है, कोई बात नहीं, इनको बोलने दीजिए। आपने प्रेम के चरम के रूप में, इंतहा के रूप में स्त्री भाव को बहुत महत्व दिया, बिल्कुल सही। और हम ये पाते हैं कि कबीर जैसे, कबीर में भी और कई संतों में नारी निंदा भी पाई जाती है, आपने इसकी बड़ी गहन व्याख्या की है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक पुरुष के अंदर जो एक ईर्ष्या है कि मैं स्त्री की तरह उस महान प्रेम को हासिल नहीं कर सका, क्या ये स्त्री निंदा में परिवर्तित हो जाए? मुझे ऐसा लगता है कि मैंने लिखा भी है, मुझे ऐसा ही लगता है। देखिए ऐसा है कि मैंने एन ओखले का एक कथन उद्धृत किया है कि अपने होने का जो बोध स्त्री को सहज ही प्राप्त होता है, पुरुष उसी को पाने में असफल रह करके छटपटाता है। उसके आगे का वाक्य मैंने लिखा नहीं है, वो आप कह रहे तो वास्तविकता वही है। और ये देखिए, फिर देखिए, फिर केवल कबीर की बात नहीं है, मैंने दसियों उदाहरण दिए हैं। सूफी परंपरा से इसको जोड़ा गया है, दक्षिण की वैष्णव परंपरा से जोड़ा गया है, और दस जगह मैंने देखा है क्या कारण है। और वो कॉन्ट्राडिक्शन भी है कि वहाँ आप नारी बन के बात करते हैं, लेकिन सामाजिक धरातल पर जाते ही मैंने उदाहरण दिया है कि कबीर ने एक साखी में वो सती का जिक्र है, और सती का बड़ा महिमा मंडित रूप से जिक्र है, वो भी मैंने उदाहरण दिया है। मैं कबीर के नारी निंदा वाले पहलू को, देखिए कुछ लोगों को लगा के जैसे मैं कबीर को डिफेंड कर रहा हूँ, मुझे इस तरह की भाषा से परेशानी होती है। मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा, ना कबीर को मेरे और आपके डिफेंस की ज़रूरत है, ना तुलसीदास को ज़रूरत है, वो अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं और उनकी रचनाएँ करती आई हैं। मैं केवल उन्हें समझने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये मुझे प्रत्यक्ष रूप से दिखता है कि जो कबीर नारी के बारे में तमाम तरह की तीखी और आपत्तिजनक बातें करते हैं, मेरा ये दावा है कि उनकी प्रेम संबंधी कविताओं में से 99% कविताएं नारी स्वर में रची गई कविताएं, इसका क्या कारण? और वो भी नारी स्वर जो है वो कोई बड़ा हल्का फुल्का नहीं, मतलब एक में कहे सेज, सब लोग कहें तुम्हारी नारी मोको कछु संदेह रे, एक में कहे सेज ना सोवे तबलक कैसा ने, इससे अधिक अरोटे कविता क्या होगी? अब काहे को ये कबीर क्यों इस तरह कह रहे हैं, मतलब सीधे सीधे क्यों नहीं कह सकते कि मैं प्रेम करता हूँ तुम्हें? तुलसीदास तो कहीं नारी नहीं बनते। तो कबीर की ट्रेडिशन में या कबीर के व्यक्तित्व में या कबीर के कवित्व में कहीं कुछ है, मैंने केवल उसको समझने की कोशिश की। सर मैं एक छोटा सा प्रश्न इसके साथ दूंगा, प्रेम और कविता के साथ साथ एक और शब्द जो आपने निरंतर इस्तेमाल किया वो है श्रम, उसको थोड़ा स्पष्ट कीजिए, श्रम का प्रेम से क्या रिश्ता है और कैसे? भाई ये मैंने लिखा ही है श्रम, प्रेम और अध्यात्म, मैंने कबीर के प्रसंग में तीन शब्दों का प्रयोग किया है, उसमें श्रम एक तरह से इम्प्लिसिट भी अलग से भी है। मैंने लिखा है कि कबीर और उनके जैसे दूसरे कवियों की खूबी यह है कि उनके यहाँ काम भावना, राम भावना और समाज भावना, इनके बीच में संवाद का संबंध है, विरोध का नहीं। मिसाल के तौर पर कबीर के यहाँ कहीं ये उलझन आपको नहीं मिलेगी कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब न मां। कबीर को ये कहीं कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि अभी तो बड़ी गरीबी है समाज में, बड़े मतलब लोग भूखे मर रहे हैं, बच्चे परेशान हैं, ऐसे में तो उससे कैसे इसकी बातें करूँ, ये बाद में देखा जाए। कबीर प्रेम को क्रांति के बाद के लिए स्थगित करना जरूरी नहीं समझते,
और सौभाग्य से जिन कवि का मैंने उद्धरण दिया वो भी सन 36 में ऐसा मानते थे, बाद में नहीं मानते थे, तो ये बहुत प्रसन्नता की बात है। सन 36 में लिखी गई ये रचनाएं और उस समय ऐसी बातें प्रगतिशील आंदोलन में होती थी। सर हाँ, उसी कविता के संदर्भ में जो गुरु परंपरा और गुरु शिष्य परंपरा है, जो कविता में बहुत सारा जो नए डिबेट और नए रिसर्च हैं आपकी, रामानंद के साथ संबंध पर जो आपत्ति की जाती रही है, और ये भी बहुत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक लेख इसको भी मैं कवर आपका इतिहास परक लेख है दोनों चीज़ों पर जी। तो एक तो वेद ये बात है कि आप काम भावना, समाज भावना, राम भावना, तीनों का जो सह अस्तित्व है, आपको अच्छा ना लगे ना लगे, कबीर के यहाँ वो मौजूद है। कबीर के लिए ना राम कम महत्वपूर्ण है ना समाज कम महत्वपूर्ण है। अब ये आपकी समस्या है कि आप क्रांतिकारी हैं, आपको अध्यात्म से कष्ट है, आपको केवल सामाजिक आलोचना चाहिए, तो लीजिए। कृपा करके ये मत कहिए कि केवल इतना ही कबीर प्रमाणिक है, बाकी सब झूठा। आपको आपको राम चाहिए, आप राम लीजिए। आप केवल राम भावना की बात कीजिए, सामाजिक आलोचना छोड़ दीजिए, आई हैव नो प्रॉब्लम व्हाट्सएवर। ये मत कहिए कि सामाजिक आलोचना वाली कविताएं बात की, ऐसा कहने का कोई, या तो कहकर सिद्ध करके किसी और ने लिखी है, ये सब मत कहिए। जो आप कह रहे हैं उसमें भी यही किस्सा है, मुझे कहते हुए हंसी भी आती है और दुख भी होता है। और जो यूरोपीय ज्ञान औपनिवेशिक ज्ञानकांड की आप मणिंद्र बात कर रहे थे, यह पूरी परंपरा, चाहे वो वैष्णव स्रोत हो, निर्गुणपंथी, सगुणपंथी, दक्षिण के, उत्तर के, दबिस्तानी मजाहिब जैसा एक पारसी या मुसलमान द्वारा लिखा गया फारसी स्रोत हो, दरबारी स्रोत हो, दरबार के बाहर के स्रोत हो, 1900 तक सारी भारतीय परंपरा एक मत से ये मानती है कि रामानंद कबीर के गुरु थे, कोई विवाद इस पर नहीं। ये भी मानती है कि रामानंद ब्राह्मण थे, और ये भी मानती है कि कबीर जुलाहे थे। रामानंद द्वारा कबीर को शिष्य बनाने को लेकर के जो संकोच की किंवदंती है, इंटरेस्टिंगली वो परंपरा के सभी स्रोतों में नहीं मिलती, कुछ में मिलती है कुछ में नहीं मिलती है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। एनीवे, एकाएक आजकल प्रगतिशील होने का और सीरियस स्कॉलर होने का एक अद्वितीय प्रमाण ये मान लिया गया है कि आप ये सिद्ध करें कि ये सारी परंपरा गलत कहती है, हम सही कह रहे हैं, क्योंकि कबीर रामानंद के शिष्य नहीं थे, ना हो सकते थे। क्यों नहीं हो सकते थे? कुछ लोगों के तो इस पर विचित्र तर्क हैं, उन पर मैं क्या जाऊँ, लेकिन जो गंभीर तर्क है वो ये कि रामानंद कबीर से 100 साल पहले हो चुके थे। बात सही है, अगर 100 साल पहले हो चुके थे तो फिर मुश्किल है। किस आधार पर आप कह रहे हैं कि 100 साल पहले हो चुके थे? जिस भी स्कॉलर से मैं पूछता हूँ, जिसकी भी किताब पढ़ता हूँ, जिसका भी ग्रंथ पढ़ता हूँ, मालूम पड़ता है सुनकर या पढ़कर कि अगस्त संहिता के आधार पर कह रहे हैं साहब। ये अगस्त संहिता क्या चीज़ है, आपने देखी है? बोले नहीं, हमने तो नहीं देखी। मैं मजाक नहीं करूँ, मैंने लिखा है कहाँ से छपी है पता नहीं। तो आप कैसे कह रहे हैं साहब? भंडारकर ने कोट किया है, भंडारकर को मैंने पढ़ा 1913 में, उनकी जो किताब छपी थी उसमें उन्होंने बाकायदा लिखा है। भंडारकर ने अगस्त संहिता से कोट किया और आप मानते चले गए। मैं थोड़े गर्व और थोड़े संकोच के साथ ये कहना चाहता हूँ कि मुझसे पहले के किसी व्यक्ति ने अगस्त संहिता देखने का कष्ट तक नहीं किया। मैं पहला व्यक्ति हूँ जिसने अगस्त संहिता देखी। मुझसे पहले कराकी, पिनुकिया कराकी और हंस भाकर ने देखी अगस्त संहिता, वो अलग संदर्भ है उनके। इस प्रसंग में मैं पहला व्यक्ति हूँ जिसने अगस्त संहिता देखी, और तब मालूम पड़ा कि जो मूल अगस्त संहिता है उसमें कबीर का तो क्या रामानंद का भी नाम ना है, ना हो सकता है, क्योंकि उसकी रचना रामानंद के भी 100 साल पहले हुई है। और जिस अगस्त संहिता के 5 अध्यायों के नाम पर ये तमाशा चल रहा है हिंदी और दुनिया भर की स्कॉलरशिप में, उन तथाकथित 5 अध्यायों की रचना, और वो मैंने पूरा रोचक प्रसंग जिसको पढ़कर नामवर जी को लगा कि शर्लक होम्स, वेद ने भी लिखा कि शर्लक होम्स, फ्रेंचेस्का और वो अपने जो मित्र हैं सौरभ दुबे और ईश्विता बनर्जी, उनको लगा डिटेक्टिव हिस्टोरियन, तो जासूसी करते कराते मैं ये दिखा पाया इसमें कि उस अगस्त संहिता की रचना रामानंदियों और रामानुजियों के बीच के विवाद के चलते, जिसमें रोचक और विडम्बनापूर्ण बात यह है कि रामानंदी ब्राह्मणवाद विरोधी लोग थे और हैं, लेकिन अपने आप को प्राचीनतर और शास्त्र सम्मत सिद्ध करने के चक्कर में उन्होंने तरह तरह के कमाल किए। उन्हीं में से एक कमाल अगस्त संहिता के 5 अध्याय थे जिनकी रचना ही 1904 में। ऐसी एक किताब, एक संदिग्ध मूल पुस्तक के आधार पर
आप पूरे 600 साल की परंपरा डिसमिस कर रहे हैं, उसका कारण है, वो मैंने किताब में बताया, उसका कारण यह है कि आप मानते हैं कि यूरोप के बाहर बुद्धि का प्रयोग करना तो किसी को आता ही नहीं, दैट इज द मेन प्रॉब्लम। जिस अनंत दास को आप डिसमिस कर देते हैं, विनांत कालवर जैसे लोग, अरे साहब उनमें तो सेंस ऑफ हिस्ट्री नहीं था, सेंस ऑफ हिस्ट्री नहीं था तो उन्होंने नामदेव को रामानंद का शिष्य क्यों नहीं बता दिया, त्रिलोचन को रामानंद का शिष्य क्यों नहीं बता दिया, उन्होंने चार लोगों को रामानंद का शिष्य बताया और वो चारों के चारों 15वीं सदी के। अनंत दास 17वीं सदी के किसी संत को रामानंद का शिष्य नहीं बताते, 13वीं सदी के किसी संत को रामानंद का शिष्य नहीं बताते। आप उनके मुहावरे को विद ड्यू रेस्पेक्ट पढ़ो तो सही। मैंने इसीलिए इस किताब में लिखा है कि हिंदू, मुस्लिम, चीनी, भारतीय, रूसी, कोई भी परंपरा साजिशों की संदूकची नहीं होती। और वो लोग जो अंग्रेजी, फ्रेंच या जर्मन नहीं बोलते, वो बुद्धूपन के पिटारे नहीं बिल्कुल, थोड़ी बहुत बुद्धि उनमें भी होती। तो इसीलिए वो जो रामानंद वाला किस्सा, अच्छा एक आपने जो कहा है कि भक्ति के वृत्त, लोक वृत्त में कबीर की इतनी व्यापक मान्यता का कारण क्या रहा होगा? मुझे लगता है कि आज भी ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि मैं देखता हूँ, मैंने पता किया था कि कबीर का जो कैसेट है उसका सेल मैक्सिमम है इस वक्त। नहीं, आजकल तो देखिए उसका, आजकल तो उसके दो कारण हैं। एक तो कबीर, मैं ये मानता हूँ कि पिछले 1000 साल के सबसे बड़े कल्चरल सुपरस्टार, ये मिलेनियम सुपरस्टार अगर किसी को कहना हो तो मैं कबीर को। उसके कई कारण हैं, उनमें से एक कारण ये है कि कबीर यूनिक पोएट है। मैंने जो भक्ति वाली और लोकप्रिय वाली बात कही है, देखिए ऐसे कम कवि हैं जिनमें सामाजिक आलोचना इतनी तीखी हो और जिनमें प्रेम का स्वर इतना भाव प्रभाव। अगर किसी ने कबीर को केवल उस रूप में पढ़ा हो कि गाली गलौज, बहुत तीखी बातें, बहुत लगती हुई बातें, जो तू बामन बाम नहीं जाया, जो तू तुरक तुरक नहीं जाया, ये उसी कबीर की पंक्ति है कि कबीर कूता राम का मुतिया मेरा नाव, गले राम की जेवरी जित खेचे तित जाओ, ये उसी कबीर की पंक्ति। तो कबीर के यहाँ जो रेंज ऑफ इमोशंस है और जो एकदम परस्पर विरोधी दिखने वाले भावों का सहअस्तित्व है, मुझे लगता है कि कबीर की लोकप्रियता का एक बहुत बड़ा कारण है। यही मैंने किताब में लिखा भी है, वही बातें दादू भी कह रहे थे, बल्कि दादू तो थोड़े सॉफ्ट ढंग से कह रहे थे। दादू की सामाजिक आलोचना का स्वर उतना तीखा और प्रबल नहीं है जितना कबीर का है, लेकिन फिर भी, और दादू स्वयं कबीर का सबसे ज्यादा सम्मान करते। पीपा भी वही बातें कह रहे थे, लेकिन पीपा कबीर को लगभग भगवान की तरह पूछते। इसीलिए मैंने चिड़के लिखा है कि जो ये समाज तो इन लोगों को भगवान की तरह पूछता था, आप इन्हें हाशिए का लोग बताने में, भाई हाशिए के लोग वो आपके लिए हैं क्योंकि आपका हाशिया, आपका मुख्य पेज अंग्रेजी से तय होता है, तो अब उसमें कबीर की और कबीर के प्रशंसकों की कोई गलती नहीं है। आप अपने मुख्य पेज में से जरा अंग्रेजी को हटाओ, तो हिंदी, भोजपुरी, मराठी, गुजराती को ले आओ तो फर्क मालूम पड़ जाएगा, दिख जाएगा। सोशल साइंसेज में कैसे आपको लगता है? मैं चूंकि वहाँ से आता हूँ, मुझे लगता है कि बहुत संघर्ष बहुत से लोग हम लोग कर रहे हैं इसमें कि सोशल साइंसेज का जो पूरा पर्सपेक्टिव है, जो अंग्रेजी दार्शनिक जिसको हम लोग कहते हैं, उससे तय होता है और उसके चलते बहुत सारी चीज़ें हमें दिखाई नहीं दे रही हैं, तो कैसे? नहीं, उसका एक ही तरीका है मनेंद्र, ये मैंने किताब में संकेत भी इसके बार बार किए हैं, बल्कि मैं तो यहाँ ये कहना चाहूँगा कि इस पर हम लोगों को कुछ संगठित प्रयत्न करने की जरूरत है। मैंने इसमें बार बार संकेत किया है और अशोक वाजपेयी ने इस किताब की रिव्यू करते हुए लिखा भी था कि देश भाषा में निबद्ध आधुनिकता का ऐसा वर्णन उन्होंने कहीं और नहीं पढ़ा है। आपको देश भाषा स्रोतों पर ध्यान देना है। देखिए आप, मैं और आप दोनों रिसर्च स्कॉलर हैं, हम लोग देश भाषा स्रोतों का इस्तेमाल कैसे करते हैं? पहले एक मान्यता बना लेते हैं, उस मान्यता के पक्ष में कोट करने के लिए एक वर्नाकुलर खोज लाते हैं। वर्नाकुलर खुद क्या कह रहा है हम कभी नहीं सुनना चाहते, सुनना भी चाहते हैं तो या तो कंटेम्प्ट के साथ या कंडेंसेशन के साथ। वरना आप सोचिए ना, मुझसे पहले ये बात किसी को क्यों नहीं सूझी, छोड़ डेविड लॉरेंजन को। डेविड लॉरेंजन ने लिखा है कि मेरे लिए ये मानना मुश्किल है कि पूरी की पूरी कंसेंसस गलत है कभी रामानंद संबंध के प्रसंग में। ये बात किसी को क्यों नहीं सूझी कि भाई अगर अनंत दास चार लोगों को, कबीर, रैदास, धन्ना और सदना को रामानंद का शिष्य बता रहे हैं, ये सारे के चारों 15वीं सदी के हैं, एकाएक संस्कृत में एक किताब रची जाती है और वो रामानंद को 100 साल पीछे कर देती है, तो जो आप कह रहे हैं ना सोशल साइंस में अंग्रेजी, संस्कृत एंड पर्सियन, दे आर टू बी टेकन सीरियसली एंड वर्नाक्युलर इज टू बी टेकन विद कंटेम्प्ट और कंडेंसेशन। दिस इज अ सिंपल थिंग।
और ये मेरी किताब पूरी की पूरी जिस दूसरे अध्याय की बात आप कर रहे हैं उस अध्याय की चर्चा का और लोकप्रियता या अलोकप्रियता का एक कारण यह है कि वो सोशल साइंसेज की रिसर्च की इस मूलभूत उसको जबरदस्त चुनौती देती है। बिल्कुल, आप अंग्रेजी के जरिए नहीं समझ सकते इस समाज को। अंग्रेजी से मुझे कोई ये स्पष्ट कर देना जरूरी है क्योंकि ये छात्र भी इसको सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को। अंग्रेजी से कोई विरक्ति मुझे नहीं है, मैं खुद अंग्रेजी में लिखता भी हूँ। सवाल ये है कि आप ये ना मान के चलें कि जो अंग्रेजी इतर या संस्कृत इतर स्रोत हैं वो ऐव हैं। मैंने लिखा है इस किताब में कि जो व्यक्ति अंग्रेजी नहीं जानता या संस्कृत नहीं जानता ऐसा मानना थोड़ा विचारणीय है कि वो बुद्धि से भी संपन्न है। मेरी माना संस्कृत जानती थी ना अंग्रेजी जानती थी, लेकिन मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि मेरे बहुत सारे बहुत ज्ञानी कलीग से अधिक ज़्यादा बुद्धिमती इससे, संस्कृत और अंग्रेजी दोनों जानने वालों से ज़्यादा बुद्धिमती और संवेदनशील स्त्री थी। तो जब तक हम एक इस तरह के सम्मान के साथ लोगों तक नहीं जाएंगे, लोगों की परंपरा, उनकी जीवंत परंपरा, उस तक चैतन्य को समझने की कोशिश, तब तक आप नहीं समझ सकते उसको। और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि ये जो सवाल आप उठा रहे हैं एक समाज विज्ञान में रिसर्च करने वाले व्यक्ति के रूप में, तो मैं तो चाहूँगा कि इस पर कुछ संयुक्त कार्रवाई होनी चाहिए, कुछ कार्यक्रम बनना चाहिए, कुछ होना चाहिए इस तरह की रिसर्च को, जैसे कहें कि रिसर्च रूटेड इन वर्नाक्युलर सोर्सेस, इस पर काम का कुछ व्यवस्थित प्रयत्न होना चाहिए। अगर भारत इसलिए सब व्यर्थ था क्योंकि अंग्रेजी राज यहाँ कायम हो गया, तो मैं ये दो टूक कहना चाहूंगा कि बहुत फासिस्ट आर्गुमेंट, पराजित गलत है, ये बुनियादी तौर से फासिस्ट आर्गुमेंट। किसी समाज का या किसी व्यक्ति का, हम चारों लोग यहाँ बौद्धिक चर्चा कर रहे हैं, अभी चार पांच हृष्ट पुष्ट लोग आ जाएं और हमारी पिटाई कर दें तो हम गलत नहीं हो जाएंगे। पिट तो हम जाएंगे क्योंकि वो हमारे पास जो ताकत है वो उनके पास नहीं है, उनके पास जो ताकत है वो हमारे पास नहीं है, तो हमें पीट पाट के सारे सेटअप को तोड़ ताड़ के चले जा सकते हैं, तो इससे क्या साबित होगा वो सही थे। सर, लोक भाषाओं के महत्व की और उसमें जो संचित ज्ञान है और जो संस्कृति समृद्धि है उसको उसका रेखांकित किया आपने, और कबीर की जो भाषा है और उनकी जो रचनाएं हैं वो लोक भाषा में हैं, लेकिन कबीर की भाषा का जो स्वरूप है उसमें थोड़ा विवाद होता है कि कौन सी उनकी भाषा है, कोई बोलता है मिश्रित है, कोई बोलता है पूर्वी है, तो भाषा की ये बहस है। मैं इस किताब में ये दो टूक रूप से लिख चुका हूँ कि कबीर की मूल भाषा आप प्राप्त, क्योंकि कबीर की रचना आपको जो सुलभ है वो पश्चिमी स्रोतों से सुलभ है। बीजक भी बहुत बाद की रचना है, 1805 की उसकी पुरानी पांडुलिपि है, और बाकी जो उससे प्राचीनतर पांडुलिपियाँ हैं वो पछाड़ की हैं, तो उन पर राजस्थानी और पंजाबी प्रभाव स्वाभाविक है। कबीर की भाषा निश्चित रूप से इतनी राजस्थानी और पंजाबी युक्त नहीं रही हो सकती क्योंकि कबीर भोजपुरी क्षेत्र के थे, लेकिन कबीर की मूल भाषा भोजपुरी थी, या कबीर की मूल भाषा मगधी थी या मैथिली थी या खड़ी बोली थी, मैं आपसे दो टूक कहूँ, ये सवाल मुझे अप्रासंगिक लगता है। कम से कम मेरी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, मैंने अपनी इस किताब में कोई इस पर विचार नहीं किया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप लोगों का। अग्रवाल, वेद प्रकाश जी और अंजी जी, आई थिंक ये बहुत ही बढ़िया डिस्कशन रहा, और मुझे लगता है कि एक घंटे का समय इस पुस्तक पर बातचीत करने के लिए कम है क्योंकि इसमें इतनी सारी बातें हैं, और मैं समाजशास्त्री होने के नाते इस पुस्तक को उस तरह से पढ़ता हूँ, न कि साहित्य केवल साहित्य के आलोचना की तरह से पढ़ता हूँ, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में समाजशास्त्री लोग इसे और गंभीरता से लेंगे और इस पर और भी बहसें हम लोग आयोजित कर पाएंगे। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका।